हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी आवर सिविल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि पीसीसी करने का सही तरीका क्या है, जिससे कि हम लोग एक्चुअली में पीसीसी अच्छे तरीके से और एक लेवल पे कर सकें। उसके लिए इस वीडियो में देखेंगे। तो जहाँ देख रहे हैं इस वीडियो में हम लोग साइड में जा चुके हैं कि आपका पीसीसी जो है हो रहा है, साथ ही साथ आपका पीसीसी होने के लिए क्या क्या है। बीच बीच में जो है आपका टिप लिया गया है, यानी कि जितना इंच का हाइट का पीसीसी करना है उतना इंच का हाइट का जो है आपका 5 फीट दूरी में, 6 फीट दूरी में, 4 फीट दूरी में आपका जो है टिप लिया गया है। इसके मदद से क्या हुआ, सोता से पूरा लेवल कर दिया कि इतना हाइट तक हम लोग को पीसीसी करना है। जब चारों तरफ इस तरीके का टिप लिया गया बीच में 2 फीट दूरी में, तब जो है सारा एरिया में टिप कर दिया और उसके बाद सूता से जो उसको लेवल कर दिया गया। उसके बाद क्या होगा कि और इसमें जो है लेवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि एक तरफ से जो है आपका कंक्रीट डालते जाएगा और उसी जो टिप दिया है दोनों टिप के ऊपर जो है आपका वाटर रख के जो है आप उसको लेवल करते हुए जा सकते हैं, जिससे कि आपका फिनिशिंग एकदम बढ़िया आएगा, आपका लेवल एकदम बढ़िया आएगा, जिसमें आपका जो है बीच में कोई किसी भी तरह कोई रुकावट लेवल लेने में नहीं। ये सबसे अच्छा तरीका है। और इससे जो आपका आप जिस तरीके से शुरू में ही टिप ले चुके हैं, जिस तरीके से स्लोप में ले चुके हैं, उस तरीके से आपका जो है स्लोप भी बन जाएगा। जितना हाइट तक आपको पीसीसी करना है, जितना इंची तक उतना इंची आपका पीसीसी हो जाएगा। अगर टिप लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं हमको पीसीसी का मोटाई कम करना है, वहाँ पे क्या करना होगा, आप जो है उसको फिलिंग कर दीजिए। जहाँ पीसीसी का एरिया पीसीसी का जो है थिकनेस ज़्यादा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पीसीसी का थिकनेस कम आ रहा है, तो उसको आप जो है थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए, थोड़ा सा उसको डस्ट या फिर जो भी आपका है उसको हटा लीजिए, तो आपका पीसीसी का जो है हाइट आ जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप पीसीसी को ऊपर नीचे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप पीसीसी वन साइड में इस तरीके से इस लेवलिंग से कर सकते हैं, जिससे आपका फिनिशिंग भी बढ़िया आएगा और साथ ही साथ जो है आपका पीसीसी जो है एक लेवल में आएगा। तो आप जानते हैं कि पीसीसी का मिक्स रेशियो क्या रखें कंक्रीट। तो जिस दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि पीसीसी का मिक्स रेशियो जो है 1:3 और आपका जो है 6 है, यानी M10 ग्रेड। तो 1:3:6 में हम लोग पीसीसी कर रहे हैं। आप 1:3 मतलब 1 सीमेंट 3 बालू और 6 गिट्टी एग्रीगेट। तो आप इस तरीके से जो है आप पीसीसी में यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि पीसीसी के टाइम जो है आपको एग्रीगेट जो है आपको ज़्यादा देना है और उसमें जो है आपको सीमेंट कंटेंट नॉर्मल कंक्रीट से कम देना है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो मिस्त्री के थ्रू अगर करवाते हैं और वो लोग प्रेजेंट में रहते हैं, आप नहीं रहते हैं, तो वो लोग क्या करता है उसमें जो है सीमेंट कंटेंट वो लोग बढ़ा देता है और बालू कंटेंट भी बढ़ा देता है, इससे कि वो लोग को फिनिशिंग करने में आसानी हो और उनका टाइम जो है कम लगे। लेकिन वैसे अगर करते हैं तो आपका मजबूती जो है घट जाएगा। आपको ये आपको ध्यान रखना है। पीसीसी हमेशा आपको जो है फ्लोर में करना है या फिर कहीं भी करना है, तो आपको मिक्स रेशियो हमेशा M15 से M10 तक ही लेना है, उससे नीचे या फिर उससे ऊपर नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको पीसीसी जो है आपको काफ़ी भी ज्वाइंट नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि जैसे कि यहाँ पे पीसीसी हो चुका है, जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पीसीसी फिनिशिंग हो चुका है, इसके ऊपर जो है सीमेंट पानी होगा जिसको हम लोग सीमेंट नेट कहते हैं, इसके ऊपर जो है सीमेंट का घोला बना के इसको दिया जाएगा और इसको जो है प्लेन कर दिया जाएगा। इसमें हम लोग सीमेंट वाटर प्रूफिंग करेंगे। तो अगर आपको करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले पीसीसी करना होगा, उसके ऊपर आपको मोटर 1:3 या 1:2 का 1:3 का मोटर मिक्स रेशियो को बनाना होगा, उसके ऊपर जो है आपको प्लेन कर देना होगा एकदम प्लेन, उसके ऊपर जो है आप सीमेंट नेट कर सकते हैं या फिर सीमेंट वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। उससे कि क्या होगा कि आपका पानी का जो है कभी भी दिक्कत नहीं होगा, पानी आपका सीलन नहीं होगा, आपका जो है किसी भी तरह का कोई डस्ट भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीसीसी हमेशा आपको एक तरह से करना है, ना कि कहीं ज़्यादा बालू, ना कि कहीं ज़्यादा गिट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पीसीसी जो है आपको जिस लेवल हमेशा जो है आप बाहर की तरफ डाउन रखें। उससे क्या होगा कि आपका मान लीजिए कि बरांडा है, रूम है, तो रूम से बरांडा बाहर की तरफ जो है आप थोड़ा सा डाउन रखें। उससे क्या होगा कि आपका पानी जब भी गिरता है तो आपका पानी जो है अपने आप बाहर निकल के जो है बाहर चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ
ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको टाइल्स लगाना है, आप पीसीसी कर रहे हैं और आपको टाइल्स लगाना है और आपको लेवल दे दिया गया है कि आपको जो है फ्लोर से यानी छत से आपका फ्लोर स्पेसिंग जो होगा आपका छत से 10.5 फीट होगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि 10.5 फीट से आपको 2 इंची ज़्यादा रखना है ताकि टाइल्स बैठाते टाइम आपका जो है 2 इंची का उसमें थिकनेस आ जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर टाइल्स बैठाना है तो आपको 2 इंची ज़्यादा छोड़ के रखना है टाइल्स के, उसके बाद ही आपको लेवल लेना है, ये आप ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में सारे जानकारी आपको मैं दे पाया हूँ पीसीसी से रिलेटेड। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर शायद पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप जो है कमेंट कीजिए कि आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, इससे आपको हमको जो हम जो है आपको आसानी से वीडियो